नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्नेह, अनुराग, वात्सल्य और विराग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि बालक के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हरियौध किसका उपनाम है? क्वेश्चन फिर से समझिए, हरियौध किसका उपनाम है? ऑप्शन देख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र और राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हरियौंद के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय को जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? ऑप्शन है खरी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी और अवधि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खरी बोली। भारत भारती खरी बोली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। नेक्स्ट, चार नंबर प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन है मगधी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये बीबीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं वो कौन सा है? यानी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? ऑप्शन है अरबी, हिंदी, अंग्रेजी और चीनी मंदारिन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चीनी, जिसे मंदारिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जो दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संसार की भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो अंग्रेजी आता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन है सामी, भारूपीय, तुरानी और पापुई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारूपीय। हिंदी भारूपीय परिवार की एक भाषा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रकृत भाषा से आशय है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, अशुद्ध भाषा, संस्कृत से पूर्व की भाषा और जंगली भाषा, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संस्कृत से पूर्व की भाषा को प्रकृत भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रकृत किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत, अवहट, अपभ्रंश और पाली। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पाली को कहा जाता है, प्रथम प्रकृत पाली भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ऑप्शन है सौरसेनी, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमगधी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अर्धमगधी से। पूर्वी हिंदी किससे निकली है? अर्धमगधी से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की भाषा है? ऑप्शन है मैथिली, अवधि, भोजपुरी और बुंदेली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पद्मावत की जो भाषा है वो अवधि है। कौन सी है? अवधि। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन है अवधि, कन्नौजी, ब्रज और ब्रिज बोली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कौन सा है? विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है?
सोरसौनी से, अर्धमगधी से, मगधी से और प्रांचर से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मगधी से। किससे हुआ है? मगधी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है उपनगर, मगधी, सोरसैनी और पैसाची। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किससे? सोरसैनी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई, यानी ब्रज भाषा का विकास सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अकबर के काल में। किसके काल में हुआ था विशेष उन्नति? अकबर के काल में। नेक्स्ट रस राज किस रस को कहा जाता है? ऑप्शन है सिंगार रस को, करुण रस को, वीर रस को और हास्य रस को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रस राज सिंगार रस को कहा जाता है। किसे? सिंगार रस को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण और आपहुति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रूपक। उपमेय में उपमान का आरोप पर होने वाला अलंकार क्या होता है? रूपक होता है। नेक्स्ट कामायनी आधुनिक युग की किस काव्य परंपरा की कृति है? नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, छायावाद। कामायनी कैसी है? छायावाद काव्य परंपरा की कृति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अवधि बोली का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से और बिहारी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूर्वी हिंदी से। अवधि बोली का किससे संबंध है? पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहलाता है? रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान और प्रेमाश्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोदान। गोदान प्रेमचंद का एक ऐसा कृति है जो कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य काल किस युग को कहा जाता है? ऑप्शन है प्रगतिवाद काल को, आधुनिक काल को, छायावाद काल को और भक्ति काल को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आधुनिक काल को। किसे कहा जाता है? आधुनिक काल को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? उत्साह, क्रोध, भय और शोक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। नेक्स्ट पूस की रात कहानी किसकी लिखी है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? बुंदेली, अवधि, खरी बोली, संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अवधि। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस कोटि का उपन्यास है? आंचलिक है, ऐतिहासिक है, जासूसी है और मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अयोध्या से उपाध्याय की रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचना है, ऑप्शन है वैदेही वनवास, यशोधरा, द्रौपदी और आसु। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वैदेही वनवास। कौन सा है? वैदेही वनवास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं? ऑप्शन है केशवदास, बिहारी, नंददास और अनुदास। इन चारों में से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नंददास। कौन हो जाएगा? नंददास। नेक्स्ट माला फेरत जुग गया, फिरना मन का फेर, करका मन का डरी दे,
मन का फेर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक। ये कैसा पंक्ति है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यमक। कैसा है? यमक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये किस तरह का पंक्ति है? श्लेष, रूपक, अतिशयोक्ति और विरोधाभास। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अतिशयोक्ति। कैसी है? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और केशवदास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक हैं, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, निराला जी, हरिओद और अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अज्ञेय। कौन सा? डी, अज्ञेय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, शरदचंद, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। कौन? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हमारा गीत के रचनाकार कौन है? कवि प्रदीप, सियाराम शरण गुप्त, इकबाल और अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इकबाल। कौन है? इकबाल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इनमें से एक कृति प्रेमचंद की है, कर्मभूमि, धर्मभूमि, गर्मभूमि, मर्मभूमि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्मभूमि। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कृति है? कर्मभूमि। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है, काव्य है, नाटक है और काव्य नाटक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, काव्य नाटक। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो काव्य नाटक है। नेक्स्ट, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र, राम प्रसाद बिश्मिल, सुमित्रा नंदन पंत, सिया राम शरण गुप्त और श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता है। नेक्स्ट, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? मुक्तिबोध को, पद्माकर को, केशवदास को और भूषण को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केशवदास को। किसे कहा गया है? केशवदास को। नेक्स्ट, कलम का जादूगर किसे कहा गया? राम वृक्ष बेनीपुरी, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। कलम का जादूगर किसे कहा गया? राम वृक्ष बेनीपुरी को। और कलम का सिपाही किसे कहा गया? मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद और राम वृक्ष बेनीपुरी। बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा गया। अगला क्वेश्चन, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चतुरसेन शास्त्री की। किसकी? चतुरसेन शास्त्री की चॉकलेट उपन्यास रचना है। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रैदास की। किसकी है? रैदास की। अगला क्वेश्चन, जूही की कली के कवि हैं, जूही की कली कविता की कवि हैं। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है 14 फरवरी, 10 जनवरी, 14 सितंबर और 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। किस में हुआ? ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल किसे कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को और भारतेंदु युग को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ज्ञान मार्गी। कबीरदास ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, VBI प्रश्न है, आप इसे रट लीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।